Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है Michael, welcome back to another new episode of GTA 5। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर होंगे और लगातार GTA 5 की गेम प्ले सीरीज देख के इन्जॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में तो देख ही लिया होगा कि भाई यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जो है मिलिट्री जनरल ने एक तरह से पूरा का पूरा मलिबू मेंशन तबाह कर दिया था, और साथ ही साथ हमारे जितने भी पेट्स थे, गज्जू भाई जितने भी थे, मतलब सिकंदर वगैरह जितने भी, हमने बंदर पाला था, हाथी पाला था, तीन पग पाले थे, तीन जर्मन शेफर्ड लिए थे, सारे के सारे मार दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पर मैं अभी जाने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही खतरनाक कुत्ते बाय करने। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर क्या मैं बाय करने वाला हूँ। वो आपको भाई लेजेंड होते हैं भाई एक तरह से, वो सारे के सारे जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे लेजेंड डॉग्स हैं एक तरह से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बाय करूंगा साइबेरियन हस्की, उसके बाद मैं बाय करने वाला हूं एक जर्मन शेफर्ड, और उसके साथ ही साथ हम बाय करने वाले हैं वाइट जर्मन शेफर्ड डॉग, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है GTA 5 में, ठीक है। तो उसको जो है हम बाय करने वाले हैं आज दोस्तों, सेम हम फार्मर के पास जाएंगे, उसके बाद जो है बाय करेंगे। और दोस्तों जो मैंने कंधे पे बैग ले रखा है, आज हम एक नई बाइक लेने वाले हैं सीमियन के शोरूम से, ठीक है। तो जल्दी से पहले हम बाइक लेंगे उसके बाद जाएंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे ये क्या सीन है भाई, यहाँ पे पुलिस क्यों खड़ी है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पे पुलिस क्यों खड़ी है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो अभी तीन चार पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं। तो गाइज मेरे को एकदम बिल्कुल धीरे धीरे से देखना पड़ेगा, साथ में दोस्तों पुलिस की कार जो है क्रूजर खड़ी है। अब दोस्तों माइकल के जितने भी सबूत थे दोस्तों मिलिट्री बेस से हट चुके हैं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लो प्लीज, ठीक है। जितना भी सब रिकॉर्ड सब सबके सब हटा दिए गए हैं। अब दोस्तों मिलिट्री जनरल घंटा हमें नहीं पकड़ सकता, मतलब दोस्तों बिल्कुल ही बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, वो हमें बिल्कुल अब कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहले हम स्टिकी बॉम्ब लगा देंगे, अगर हमें कोई भी खतरा लगेगा तो सबसे पहले मैं इनकी कार जो है ब्लास्ट कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों मेरे को ये पता लगाना है कि पुलिस मेरे घर में आई हुई क्यों है, ठीक है। क्योंकि गाइज आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम मिलिट्री पे मतलब मिलिट्री ने हमारा मलिबू मेंशन पूरा का पूरा तबाह कर दिया है, तो उनके घर पर पुलिस जानी चाहिए, मिलिट्री पर जानी चाहिए हमारे पास क्यों आई है, तो भी देख लेते हैं। क्योंकि भाई ये जो जा रहे हैं इनका रास्ता बना हुआ है जो पुलिस वाले का पीछे वाले से गेट से, जल्दी जाके पीछे मैं चेक कर लेता हूँ। तो कि गाइस फाइनली आप लोग सामने की तरफ में देख सकते हो न्यूड अमेंडा पड़ी हुई है भाई, और बिल्कुल ही बिल्कुल शराब दारू सब कुछ जितने भी नशे हैं सब कुछ करके पड़ी हुई है, वो भी स्विमिंग पूल में, जिसके कारण दोस्तों ट्रेसी वगैरह ने जो है इनका जो है कंप्लेन कर दिया है, और यहाँ पर जो है पुलिस आ चुकी है। दोस्तों ये न्यूज़पेपर में भी छप जाएगा कि माइकल डिसेंटा की जो वाइफ है अमेंडा डिसेंटा, वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लग गई है, और जिसके कारण दोस्तों जो है इसके ऊपर जो यहाँ पर, लेकिन भाई ये दूसरा वाला बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, छमियों की तरह नाच क्यों रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग यहां पे देख सकते हो न्यूड अमेंडा, यानी कि आप लोगों को पता है अमेंडा अभी बिल्कुल न्यूड है, और मैं आप लोगों को आगे से दिखाऊं तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और उसके अलावा दोस्तों यहां पर न्यूज़पेपर में ऐसी अगर खबर छप गई तो भाई माइकल डिसेंटा कहीं का नहीं रहेगा, पूरी की पूरी बेइज्जती हो जाएगी। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी न्यूड ये पड़ी हुई है यहां पर, और गाइस कितनी ज्यादा बॉटल्स इसने आसपास रखी हुई हैं, मतलब इसने 6-7 बॉटल लगातार जो है दोस्तों पी ली हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो इन पुलिस वालों की ऐसे की तैसी साल ऑफ न्यूज़पेपर में खबर छापोगे, फोटो भी छापोगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है बैड न्यूज़ हो जाएगी मेरे लिए। तो जल्दी से गाइस मैं क्या करता हूँ, इनको बिल्कुल तुरंत जो है आराम से मारता हूँ एक तरह से इन लोगों को, ताकि मैं इनको यहाँ से बाहर जाने ना दे पाऊँ, ठीक है। तो जल्दी से अभी गाइस मैं यहाँ पे इसको किल करता हूँ, तीरी ऐसी तैसी तरह गंजे साले गन लेके और खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लगातार मैं पूरा गुस्सा जो है ना सालों को ऊपर उतार दूंगा, अभी मैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ मैं लगातार यहाँ पे मारते जा रहा हूँ। अब दूसरा जो बंदा है वो सामने की तरफ में खड़ा हुआ है, इसको भी गाइस हमें मारना है, और आगे तो एक पुलिस वाला जो है पूरा छमिया हो रखा है, और साथ में दोस्तों दूसरा वाला लगातार क्लिक करे जा रहा है फोटो, उसको आप लोग देख सकते हो। तो फाइनली ये एक बार में नहीं मरा, और गाइस ओ भयंकर भाई निकाल तो लेंदे वेपन, ओ भयंकर ये तो चीटिंग है भाई पुलिस वाले, तेरी ऐसी तरह से गंजे इतनी देर पे दम आ गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई माइकल गिर चुका है, और यहाँ पर यही अभी गन वगैरह निकाल रहा था, जिसके कारण दोस्तों पुलिस पहले इसे जो है मारती चली जा रही है, वो भयंकर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने निकाल लिया है, चल तेरी ऐसी तैसी बहुत हो गई गंजे, बहुत मार लिया तूने मेरे को। अब मैंने जो इसके धार वाली जो एक्स है वो सीधा इसके गर्दन पे उतार दी है, चल निकल यहाँ से। अब दोस्तों बारी है ऊपर वाले बंदों की, ठीक है। अब ऊपर वाले बंदे की दोस्तों जो यहाँ पर जो है सबसे पहले खींच रहा है, बहुत फोटो खींच ली भाई, क्या बात हो रही है, ज़्यादा मेमोरी कार्ड भर रहा अपना, इधर आ जा जल्दी से। तो इसको भी गाइस मैंने यहाँ पर मार दिया है, लेकिन गाइस यहाँ पर अमेंडा को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और ये भाई छमिए इधर आ जा तेरी ऐसी तैसी जल्दी से नीचे गिर। तो भाई मैंने इसको भी मार दिया है, अमेंडा को जल्दी से गाइस मेरे को धक्का देना पड़ेगा, तभी इसको होश आएगा कि भाई तेरे साथ हो क्या रहा है। तो जल्दी से मैं इसको बोलता हूं कपड़े पहन के मुझे मिले आगे।
तो कि गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो मैंने से जो है एक क्राउन पहना दिया एक तरह से, और यहाँ पर आप लोग तो चलने की हालत देख सकते हो उसकी कितनी खतरनाक हो रखी है। चल कैसे रही है गाइस, आप लोग तेरे कितने ज़्यादा नशे में है, लगता है भाई ये ड्रग्स अफीम वगैरह कुछ ना कुछ तो ले रही है मेरे ख्याल से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा नशा कर रही है, मेरे को इसको दोस्तों कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा और इसको दोस्तों देखना पड़ेगा कि ये कर क्या रही है आजकल, ठीक है। और फाइनली हमने दोस्तों इसको तो मार दिया और यहाँ पर स्टिकी बॉम्ब भी ब्लास्ट कर दिए हैं, और यहाँ पर आप लोग दोस्तों आँखें बिल्कुल नम है इसकी। तो जल्दी से गाइस मैं इसको अंदर छोड़ता हूँ। अच्छा खासा दोस्तों मैं लेने जा रहा था अभी अपने डॉग्स, लेकिन गाइस वाइफ की जो है प्योरिटी पहले है, तो गाइस ये वाली भी कार जो है ब्लास्ट हो चुकी है। तो अमेंडा को मैं बोल रहा हूँ जल्दी से आ जाओ। अमेंडा दोस्तों आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक धीरे धीरे चल रही है और बिल्कुल ही बिल्कुल नशे में अभी, ठीक है। तो जल्दी से अभी मेरे को निकलना पड़ेगा सीमियन के शोरूम पे, इसको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। अमेंडा जो है अंदर आ चुकी है, तो ओके गाइस फाइनली वो अंदर आ चुकी है, और उसके बाद मैंने उसको बेडरूम में रेस्ट करने के लिए बोल दिया है। अब जल्दी से गाइस मेरे पास ये बाइक है, अब आप लोग को तो पता होगा हमने गाइस कार बाइक मतलब कार काफ़ी ज़्यादा खरीदी है, बाइक अभी नहीं खरीदी इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो सीमियन बोल रहा है कि जल्दी से आ जाओ शोरूम में ले जाओ, और अब दोस्तों उसने ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया है। सेम दोस्तों जिससे हम पेट लेंगे उसने भी ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया है, तो एक साथ तो दो बाइक मैं लेके जा नहीं सकता हूं। तो जल्दी से मैं आप लोगों को मिलता हूं दोस्तों सीमियन के शोरूम पे प्रीमियम मोटर डिलक्स मोटर स्पोर्ट्स पर, ठीक है। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए मेज बैंक टावर, मेज बैंक से जस्ट पीछे वाली जो बिल्डिंग है वहीं पर दोस्तों प्रीमियम मोटर डिलक्स स्पोर्ट्स है, और यहाँ पर ये क्या, ओ भाई साहब अबे माइकल तेरे को अभी भी स्टंट करने की सूझ रही है। तो फाइनली हम लोग दोस्तों गैंगस्टर लाइफ में वापस आ चुके हैं, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। अब दोस्तों हम खुला किसी को भी मार सकते हैं, किसी से भी दोस्तों कार वगैरह ले सकते हैं, और अपने कपड़े वगैरह कुछ भी पहन सकते हैं, अलग अलग हिस्ट के कपड़े पहन सकते हैं हम लोग, जिससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मिलिट्री जेल में दोस्तों हम लोग बंधे हुए थे रूल्स वगैरह से, फिर भी हमने तो काफी ज्यादा दंगे फसाद किए थे, लेकिन लोगों की भलाई के लिए किए थे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फाइनली मैं प्रीमियम मोटर डिलक्स स्पोर्ट्स पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर माइकल दोस्तों जल्दी से उतर रहा है। अब उतरने के बाद मेरे को बात कर लेनी है सीमियन से, और जाके पहले सबसे पहले कार देख लेनी है कि कौन कौन सी कारें जो है नई आई हुई है, ठीक है। तो सीमियन सामने की तरफ में खड़ा हुआ है, बाइक हम लेने यार, जब से मैं कार बोल रहा हूँ मुझे माफ़ करना, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग बाइक देख लेते हैं, सबसे पहले बाइक कौन सी है। तो गाइस ये गोस्ट राइडर मेरे ख्याल से बुलेट टाइप है थोड़ी बहुत, ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन है, और इसकी दोस्तों जो वो भी बेकार है, चलो ठीक है। ये तो अकूमा है, तो लास्ट वाली गाइस मेरे को जो बाइक है पूरी की पूरी माउंटेन बाइक है, और सामने इसका पूरा लुक है जो हायाबुसा जैसा है, लेकिन भाई ये हायाबुसा नहीं है, ये सुजुकी की शिट्ज़ू है, ठीक है। तो जो कि काफी ज्यादा मस्त है दोस्तों एक तरह से। तो जल्दी से मैं इसको जो है बाय कर लेता हूं, जल्दी से जाके मैं उससे सीमियन से बात कर लेता हूं। तो ओके गाइस फाइनली मेरी सीमियन से बात हो चुकी है, सीमियन ने बोला है कि जल्दी से चले जाओ अंदर और मेरा जो ऑफिस है वहाँ पे बैग रख दो, उसके बाद तुम फ्री टू यूज़ कर सकते हो हमारी जो बाइक है, कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैं यहीं पर फेंक के चला जाऊँगा। तो मैंने फाइनली यहाँ पे बैग रख दिया है, जल्दी से मैंने दोस्तों ये वाली रेड वाली जो बाइक है इसको लेके जाने वाले हैं अंदर से ही, और को हमें दोस्तों पूरा जो इसका पेपर वर्क करके रेडी करके रखेगा एक तरह से सीमियन, और हम लोग फाइनली जो है इसको लेके जाने वाले हैं। अभी कहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों हम लेके जाने वाले हैं इसको अपने डॉग्स को लेने के लिए, तो जो कि भाई वहाँ पर है आप लोगों को पता लगेगा फार्मर के साइड पर है, ठीक है। तो जल्दी से अभी मैं निकलता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि भाई माइकल डिसेंटा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में बाइक को भगा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी हम इसको टेस्ट भी करेंगे। अब दोस्तों मेरे पास ऐसा प्लान आ रहा है, मेरे को दिमाग में ये आ रहा है कि गाइज़ यहाँ पर मेरे पास तो मैं दोबारा घर जाऊँगा फिर पैसे लूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ ना मैं जल्दी से आगे की तरफ मैं चलता हूँ, खूब तेज़ गाड़ी को भगा लेता हूँ, कुछ रास्ता कवर कर लेता हूँ, बीच में दोस्तों फ्रैंकलिन को फ़ोन कर देता हूँ कि वाइनवुड की जो पीछे वाली पहाड़ी है वहाँ पर मेरे को जल्दी से मिले वो, ठीक है। तो फ्रैंकलिन को जल्दी से मैं कॉल लगा के बात कर लेता हूँ। तो की गई फाइनली मेरी यहाँ पर जो है वो भयंकर पुलिस, पीछे से पुलिस कई काफ़ी ज़्यादा फट गई भाई, मतलब दिल में धक धक हो गया। अब देखो भाई जो ये बाइक की खास बात है ना, कहीं पर भी कितनी भी ज़्यादा बड़ी पहाड़ हो कहीं पर भी चढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है भाई इस बात पे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली हमने जो है अपनी हायाबुसा जो एक तरह से शिट्ज़ू बोलूँगा वैसे, लेकिन भाई जो इसका पूरा लुक है वो पूरा का पूरा हायाबुसा जैसा है, जो कि भाई गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा कूल बनाता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ भी आगे की तरफ में आप लोग देख सकते हो वाइनवुड हिल है, उसी के पीछे दोस्तों मेरे को वो मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों फ्रैंकलिन का घर तो जस्ट वाइनवुड के पास ही है, तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लेकिन गाइस हमें भी कुछ कम टाइम नहीं लगा है, क्योंकि भाई अपनी जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब जल्दी से दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर उतर जाता हूँ और फ्रैंकलिन का इंतज़ार कर लेते हैं। तो ओके गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, फ्रैंकलिन अभी तक नहीं आया है, काफ़ी ज़्यादा मैं जल्दी पहुंच चुका हूँ। ओके गाइस तो ये रहा भाई पीछे पीछे से झाड़ियों के पीछे से आ रहा है, तो जल्दी से बैठ जा फ्रैंकलिन, जल्दी से डॉग्स लेने चलते हैं अपने लिए। और गाइस ये वाले जो डॉग है ना सारे के सारे ट्रेन डॉग हैं, और गाइस इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा दम है, ठीक है।
अब फार्मर ने जो ये वाले मॉडिफाइड करा के जो दिए हैं हमें डॉग, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई, आप लोगों को देखने वाले हो आप लोग साइबेरियन हस्की, वाइट जर्मन शेफर्ड डॉग और उसके अलावा दोस्तों जर्मन शेफर्ड। तो आप लोगों ने जर्मन शेफर्ड तो देख ही लिया होगा, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल पर दोस्तों साइबेरियन हस्की को नहीं देखा और उसके साथ साथ में दोस्तों आप लोगों ने वो भी नहीं देखा है वाइट जर्मन शेफर्ड को, ठीक है। तो गाइज इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो जल्दी से अभी मैं दोस्तों यहाँ पर फ्रैंकलिन के लेते भगाते भगाते पहुंच चुका हूँ फार्मर के ऑफिस पे। तो फार्मर का ऑफिस दोस्तों कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ और इसकी वाइफ दोस्तों ये लोग मिलके खेती करते हैं यहाँ पर, इनकी कुछ गाय हैं और बिल्कुल इंडियन स्टाइल में ये लोग जीते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब फ्रैंकलिन उतरेगा कि यहीं पर चढ़ा रहेगा यार, कैसे अबे क्या बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है, जल्दी चले यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन को उतार दिया है, फ्रैंकलिन उतारने के बाद जल्दी से हम लोग आगे तरफ में निकलने वाले हैं और माइकल काफ़ी ज़्यादा खुश भी है और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी है, क्योंकि गाइज इसका बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज हम लोगों को 3 डॉग हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने तो सोचा था कि मिलिट्री से हम लोग बदला लेंगे, क्योंकि भाई पिछली बार उसने काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर दिया था, तो अभी मैं सोच रहा था मिलिट्री पर अटैक करेंगे, लेकिन भाई इनसे मिलकर बदला लेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब लेस्टर बहुत ही अच्छा प्लान करने वाला है। तो ये रहा भाई साइबर रनर्स की, आप इसकी आंखें देख सकते हैं बिल्कुल वैसी हैं जैसी भाई रियल लाइफ में होती है, और जर्मन शेफर्ड की भी भाई पूछ नीचे है, कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और इसका जो कलर है वो ब्लैक एंड रेड में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल दिखा रहा है। और ये लास्ट वाला डॉग है, ये भी जर्मन शेफर्ड है, लेकिन भाई ये कुछ ग्रे है, लेकिन भाई इसको मैंने वाइट ही माना, क्योंकि अगर आप इसको बड़े उजाले में देखोगे तो आप लोग को ये वाइट जर्मन शेफर्ड डॉग दिखेगा। तो ये 3 डॉग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे ही हैं, क्योंकि भाई फार्मर ने इसको पहले सब कुछ बता रखा है, ठीक है। जल्दी से मैं इसको फ्रैंकलिन को बोलता हूँ कि अपना जो बैग है वो इसको उसके पास छोड़ दे। तो ओके गाइस, फाइनली फ्रैंकलिन ने बैग छोड़ दिया है और हम लोग इसकी जो डिलीवरी है वो ऑनलाइन होती है, मतलब एक तरह से ट्रक वगैरह आता है और ये डिलीवरी करके चला जाता है। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर चौथी से मैं अपनी सित्सु यानी हायाबुसा में बैठ चुका हूँ, और सॉरी मैं इसका हायाबुसा ही बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप हायाबुसा भी देखोगे तो बिल्कुल सेम ऐसी है, ठीक है। तो चौथी से अभी हम लोग अपने घर पर निकल लेते हैं, और मिलिट्री के लिए काफ़ी बड़ा प्लान हम लोगों ने तय कर रखा है। अब दोस्तों लेस्टर ने बोला है कि जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपनी गाड़ी को एकदम माउंटेन पर बहुत ज़्यादा तेज़ी में भगाने वाला हूँ मैं, बिल्कुल डर नहीं लगता भाई मेरे को एक तरह से, क्योंकि भाई अब हम लोग गैंगस्टर लाइफ में हैं, बिल्कुल किसी बात की डर बात नहीं। ओ बैंकर कितनी तेज़ चला रहा है भाई माइकल, खतरनाक भाई। और ये वाला सीन तो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था, ये वाला गाइज आप लोग देख सकते हो। और गाइज हम लोग बहुत ही तेज़ में चला रहे हैं, लेकिन भाई रास्ता भी गड़बड़ था बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर कहीं मैं गिर ना जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग देखो ओ भयंकर खतरनाक तरीके से हम लोग यहाँ पे गिर चुके हैं। लेकिन भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ओ भयंकर ये क्या चल रहा है यार यहाँ पर गाइज, ये यहाँ पे चल के आ रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से फ्रैंकलिन बैठ जाओ, ऊपर की तरफ में चलते हैं। कुछ आर्मी के ट्रक्स मुझे दिखे हैं यहाँ पर, और सामने की तरफ में बुकाटी और लैम्बोर्गिनी भी दिख रही है, और एक बीच में गाइज अबे ऐसे तेरी गाड़ी भी नहीं है, ठीक है ना, कि जो ऐसे चढ़ा दे रहा है माइकल, तू भी जल्दी से पीछे चल। और गाइज आगे मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सीन हो चुका है, जिसके कारण दोस्तों मुझे जो है काफ़ी बड़ा रास पता लगने वाला है एक तरह से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गाइज हम लोगों ने अपनी गाड़ी को जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में भगा लिया है ऊपर की तरफ में, और इसको चढ़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ट्रेलर को, गाइज नीचे की तरफ में आप लोग देख सकते हो गोल्ड लिमोजिनी रखी हुई है, और ये गोल्ड लिमोजिनी गाइज कौन सी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से गाइज ये रोल्स रॉयस फैंटम है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा खतरनाक है, और ये इसका जो प्राइस है भाई बहुत ही ज़्यादा महंगा होने वाला है, और ये प्योर गोल्ड में आती है। और ये गाइस गाड़ी कौन सी है इसका आगे से देखना पड़ेगा। ओ बैंकर आप लोग देख सकते हो भाई ये रोल्स रॉयस है, कितनी ज्यादा लग्जरी कार भाई मुझे मिली है, लेकिन लग्जरी कार है किसकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से मैं ऊपर में चढ़ता हूं, और आप लोग यहां पे देख सकते हो गाइस अभी कि कितने ज्यादा यहां पे आर्मी के ट्रेलर खड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब और आगे की तरफ में आप लोग देख सकते हो ये तो वही गाड़ियां हैं दोस्तों जो भाई टेररिस्ट की थी। तो टेररिस्ट के बॉस को अभी तक हमने नहीं मारा था, लेकिन गाइज ये हम लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देर से हमला करते जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3-4 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, एक बुगाटी खड़ी है उसी दोस्तों टेररिस्ट की, लेकिन गाइज मेरे ख्याल से मिलिट्री जनरल भी यही होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है। ओ गाइज तो सामने की तरफ में आप लोग देख सकते हो यार कि यहाँ पर जो है दोस्तों टेररिस्ट का बॉस खड़ा है, और बॉस के साथ साथ दोस्तों मिलिट्री का बॉस खड़ा है, मिलिट्री जनरल। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, रोक के देख सकते हो कि गाइज ये जो बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा
जो बहुत एक तरह से डील वगैरह चल रही है कुछ ना कुछ की। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मिलिट्री जनरल बहुत बड़ा गद्दार है दोस्तों एक तरह से, और जहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये टेररिस्ट से मिला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो बस अब लेस्टर को मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेस्टर को मेरे को यहाँ पे दोस्तों एक तरह से इसकी फोटो खींच के सेंड कर देनी है, इसको मेरे को सेव करना है फोन टू गैलरी पे। अब लोग यहाँ पर आप लोग रोक के देख सकते हो गाइस यहाँ पे मिलिट्री जनरल खड़ा हुआ है और साथ में उसका बॉस खड़ा हुआ है। कहाँ पे जाके भाई इन्होंने मीटिंग की है, अच्छा हुआ भाई भगवान ने हमारा सही टाइम पे एक्सीडेंट करवा दिया है। मतलब एक्सीडेंट तो हुआ है, इतनी ज़्यादा नहीं लगी हम लोगों को, लेकिन गाइस हम लोगों को इसका राज पता लग गया है। अब लेस्टर का जो बड़ा प्लान है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेरी गन में सारे में सप्रेसर लगा हुआ है, तो इनके जो बंदे हैं उनको मार देते हैं, और साथ ही साथ जितनी भी बॉस की जितनी भी वो है टेररिस्ट की बॉस की सारी गन जो है कार जो है ब्लास्ट कर देते हैं। और गाइस यहां से इनको तो पता ही लग जाएगा कि अब भाग लेना है। तो ठीक है, अब हमारी तो भाई स्पीड काफी ज्यादा तेज है, तो जल्दी से मैं भी निकल लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो गाइज आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पर कि गाइज यहाँ पर जो है मैंने अपनी जो है हायाबुसा ले ली है, जल्दी से भाई बैठ जाए एक तरह से तू भी भाई फ्रैंकलिन यहाँ पर। और देखो भाई अब हमारी स्पीड देखो आप लोग कितनी ज़्यादा तेज़ हम लोग चढ़ते ही जा रहे हैं और भाई कहीं रुक ही नहीं रहे। ये देखो भाई बिल्कुल तेज़ी में भगा रहे हैं और निकलते हैं भाई घर की तरफ, ठीक है। तो गाइज बहुत ही बड़ा राज हम लोगों को पता लग चुका है। तो ओके गाइज फाइनली हम लोग अपने घर पर आ चुके हैं, जहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है एक तरह से, और आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है हम लोगों को। लेकिन गाइज यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज पता लग चुका है, जो मिलिट्री की एंग को फोटो मिल गई है। तो दोस्तों हमने तो अपने सारे रिकॉर्ड जो है छुपा दिए हैं, जल्दी से मेरे को यहाँ पर ट्रेवर को भी कॉल करना पड़ेगा कि ट्रेवर जल्दी से कुछ बैलास गैंग के मेंबर्स ले ले और वहीं पर खड़े रख। तो ओके गाइस फाइनली मेरी ट्रेवर से भी बात हो चुकी है, ट्रेवर ने बोला ठीक है मैं बैलास गैंग के मेंबर्स को जल्दी से लेके आता हूँ ताकि हम लोग अपने डॉग्स को टेस्ट कर सकें। अब दोस्तों जितने भी हमारे सारे रिकॉर्ड्स थे मिलिट्री बेस से वो तो हमने मिटा दिया, लेकिन हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दोस्तों मिलिट्री का एक सबूत लगा हुआ है हाथ में, जो है दोस्तों मेरे फ़ोन की गैलरी में, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो अभी लेस्टर को भी मैंने एक फोटो जो है सेंड कर दी है, और जिसके कारण दोस्तों मिलिट्री जनरल को अब काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है पूरे हम बदनाम करके मारेंगे कि भाई हम जो है मिलिट्री जनरल बनने लायक है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों ट्रेवर को भाई मैंने इतना जल्दी एक्शन ले लेगा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला फ्रैंकलिन को बिल्कुल चुपचाप यहीं पर बैठा रहे, ठीक है, हिलना नहीं यहाँ से, ठीक है ना। तो फ्रैंकलिन को मैंने बैठा दिया है, ट्रेवर भी दोस्तों आ चुका है। जल्दी से मैं आप लोगों को अपने कुत्ते दिखा देता हूँ, साथ में आप लोगों को ट्रेवर को भी दिखा देता हूँ कितने ज़्यादा दोस्तों बैलास गैंग के मेंबर वो लेके आ चुका है। 3 मिनट ही नहीं लगे भाई यहाँ पर, और गाइज यहाँ पर 2 लड़कियाँ और 1 लड़का लेके आ चुका है बैलास गैंग मेंबर्स का। तो हम इस पर टेस्ट करने वाले हैं अपने डॉग्स को, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अपने डॉग्स दिखा देता हूँ कि कहाँ है भाई हमारे डॉग्स, ठीक है। तो आप लोग देख ही पा रहे हो कि ये है भाई हमारे डॉग साइबेरियनस की। देखो भाई वाइट दिख रहा है ना, वाइट जर्मन शेफर्ड, वो एक जर्मन शेफर्ड और एक साइबेरियनस की सामने हमने पाल रखे हैं। तो कि गाइस जैसे ही मैं आप लोगों से बात कर रहा था यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो इन्होंने भाई हमला भी शुरू कर दिया, और गाइस कितनी बेरहमी की तरीके से मारा है और क्या जंप ले रहा है भाई साइबेरियनस की। ऐसे डॉग की भाई मुझे तलाश थी, और सामने साथ ही दोस्तों हमारे साथ ही ट्रेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख ही पा रहे हो कि ये गाइस कितने सही डॉग्स हैं, और इनको लगता है कुछ ना कुछ तो अभी दिख ही रहा है, जिसके कारण दोस्तों ये भोग रहे हैं। ये देखो भाई भोगते भोगते आगे जा रहे हैं, और आगे वाला तो आखिर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ओके गाइस फाइनली हम लोगों ने 3 कुत्ते अपने इस वीडियो में जो है बाय कर लिए हैं, जिनका दोस्तों नाम है साइबेरियनस की, वाइट जर्मन शेफर्ड और 1 जर्मन शेफर्ड, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों हमारे पास जो है मिलिट्री का काफ़ी बढ़िया सबूत नहीं मिला है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और भी टिक कर लो, और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, लेस्टर का क्या प्लान है मिलिट्री जनरल को पकड़ने का, और देखते हैं आगे क्या होता है। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर